लगातार चुनाव, यूसीसी का दाब, आरोपों की बौछार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव हैं। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सरकार बनाने के लिए दमखम दिखा रही है। आम आदमी पार्टी ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की मांग की थी और केजरीवाल की मांग के बाद सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी वैसे तो हिंदुओं का अपमान करती है, लेकिन चुनाव आते ही केजरीवाल साहब को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिंदुओं की याद आ जाती है। इस बार बारी थी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि केजरीवाल ने गुजरात में हिंदुत्व का कार्ड खेला था, तो बीजेपी ने फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते हुए गुजरात में यूसीसी लागू कर दिया है। ये फैसला उस समय लिया गया है जब गुजरात में चुनाव होने हैं। अब आरोपों की बौछार है, सवालों की लंबी लाइन है। सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता भी मौजूद होंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार यूसीसी होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि अलग अलग धर्म ग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित पर्सनल लॉ की जगह देश में हर नागरिकों के लिए एक कानून होगा, समानता का कानून होगा। अगर हम आम भाषा में इस लॉ को समझें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा मतलब है कि देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, वो भले ही किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो और चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित क्यों ना हो। बता दें कि देश में अलग अलग धर्मों के लिए अभी भी कुछ ऐसे कानून मौजूद हैं जो कि उन्हीं के लिए स्पेशली रहते हैं, यानी कि पर्सनली तौर पर रहते हैं। ऐसे कानूनों के लिए ही यूसीसी लागू किया जाता है। इससे पहले बात करते हैं तो उत्तराखंड में सरकार ने लागू किया था और अब गुजरात में इस कानून को लागू किया गया है। राम मंदिर का मुद्दा आपको याद होगा, बीजेपी दमदारी के साथ राम मंदिर के मुद्दे को उठाती थी। हर एक चुनाव में बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को उठाने का काम करती थी। यूसीसी भी एक ऐसा ही मुद्दा है जब बीजेपी के नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनावी रैलियों में जाते हैं, जनता को संबोधित करते हैं और यूसीसी का जो मुद्दा है उसे उठाने का काम करते हैं। अब हम बात करें गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर। अपोजिशन के नेता लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछ रहे हैं, लगातार हमले किए जा रहे हैं, बैक टू बैक जुबानी जंग तेज हो चली है। हिमाचल प्रदेश में तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। अब इन सब के बीच गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग 1 या 2 नवंबर को तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना यह भी जाता है कि गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 30 नवंबर या फिर 1 दिसंबर को हो सकता है, दूसरा चरण 4 या 5 दिसंबर को हो सकता है, वहीं 8 दिसंबर को मतगणना होने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले गुजरात के चुनावी मैदान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात में चुनाव से पहले मौजूदा बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर चुकी है। तो बड़ी खबर यह है कि कहीं ना कहीं बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है, मोहर लगा दी गई है। तो अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार सियासत हो रही है। तो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। प्रदीप जी, पहला सवाल आप ही से। यूसीसी एक बड़ा कानून बीजेपी ने लागू किया है, पहली प्रतिक्रिया सर आपकी। प्रदीप जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ जी, अब आई आपकी आवाज जी। सर, सरकार ने यूसीसी लागू जी, हाँ बताइए सर, यूसीसी लागू किया गया है। लगातार अपोजिशन के नेता आपके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका कहना है कि आपने चुनावों से पहले एक बड़ा कदम उठाया है जो कि सिर्फ चुनावी है। देखिए, क्या मुझे ऐसे ही आती है बात सुन के इन विपक्षियों की बातें कि अगर देश में कुछ सामान्य या कुछ चीजें अगर एक बन रही है तो सब चीजों को चुनाव से जोड़ देना, चाहे वो
भारत जोड़ो यात्रा होने से लेकर अब तक में। अब यही विडंबना है कि अगर अच्छी चीज कोई राज्य में आना चाहती है और अराजकता खत्म हो जाए जिस चीजों से, और सामान्य नागरिक अगर संशोधन कानून आ रहा है और सबको सम्मान अधिकार मिलना चाहिए उसको लेके अगर चीजें आ रही तो उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। बड़ी विडंबना है चीजों के लेके। देखिए उत्तराखंड सरकार में भी कराए चीजों को करा, आज जो कर्नाटका में आज चीजें सिविल कोड को लेके आ रही है, या जो आज हम बच्चों के ड्रेस को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हिजाब को लेके लड़ाई कर रहे हैं, इन चीजों को खत्म करने का है। आजकल तो यही समझ नहीं आता कि विपक्ष है कितना, मैं तुम्हारी तरफ हूँ या उधर हूँ। ये दो अंगूठा दो उंगली वाला सिस्टम जो विपक्ष ने चला रखा ना, ये बड़ा अटपटा है कि है किधर, ये देश की तरफ है या किसी समुदाय को विशेष को ये कुछ समझाना या सिखाना चाहते हैं, या उनके वोट बैंक को यूज करना चाहते हैं, या देश को कहीं और ले जाना चाहते हैं, या किसी को किसी देश को ये खुश करना चाहते हैं इस टाइप की बातें करके। बड़ी सोच और अफसोस होता है हमें सुन के। ठीक है जवाब ले लेते हैं अमित जी। आम आदमी पार्टी इतना हल्ला बोल क्यों कर रही है सर? यूसीसी लागू किया जाता है, बीजेपी कहती है कि अच्छी बात है, हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा कदम है, गुजरात के लिए एक बड़ा कदम है, तो फिर आम आदमी पार्टी के नेता इतना हल्ला बोल क्यों कर रहे हैं? आखिरकार क्यों यहाँ पर विरोध किया जाता है? जी सबसे पहले नमस्कार जी, और कल छठ महापर्व है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देश का जी। और अभी हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि हर चीज को चुनाव से जोड़ा क्यों जाता है, तो मैं तो एक ही सवाल करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि चुनाव के टाइम ही ये सब कानून क्यों लाया जाता है जी? चुनाव से पहले भी लाया जा सकता था, 9 साल से आपकी सरकार है, 25 साल से गुजरात में बैठे हैं, तो पहले भी लाया जा सकता था, आज ही क्यों चुनाव के टाइम पे क्यों जी? फ्री की रेबड़ी बांटने के लिए, मतलब आप तो कहते हो कि फ्री की रेबड़ी मत बांटो और आप सारे कानून लेके आ जाते हो, तो वही बात है, हम करें तो रासलीला, आप करो तो करेक्टर ढीला। और रहेगी बात विपक्ष की, तो विपक्ष की भी सुन लीजिए, अपना दशक पीछे का याद भी कर लीजिए कि पूरा एनडीए मिल करके गठबंधन करके और विपक्ष में बैठे थे, और आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी जो सरकार बना रही है और जो गुजरात में हमारी जीत हो रही है और गुजरात समक्ष गुजरात में जीतते के साथ आप लोगों की सरकार तो गई, क्योंकि जिस गुजरात मॉडल को लेकर चल रहे हो आप लोग, भारतीय जनता पार्टी जिस गुजरात मॉडल लेकर के इतने झूठ बोल गई। ठीक है अमित जी, एक सवाल है, आम आदमी पार्टी यूसीसी का समर्थन करती है या फिर विरोध करती है? अगर आप इसका विरोध करते हैं तो आपको खुले मंच पर विरोध करना चाहिए। देखिए हम तो किसी भी कानून का ना विरोध करते नहीं है। तो आप समर्थन करते हैं यूसीसी का? मेरी बात तो सुनिए, ठीक है, जो देश की जनता की हित के लिए अगर आप काम करोगे जी, उसके लिए समर्थन है। आप किस जनता की खून पीने की बात करोगे उसका विरोध है जी। सर यूसीसी में क्या खून पीना रहेगा आप बता दीजिए जरा सर। देखिए यूसीसी का स्टडी अभी हमने किया नहीं था, मैं कहीं बैठा हुआ था, मुझे अचानक सी डिबेट में बिठाई गई है जी सर, और तो आप मेरे को विस्तार से थोड़ी सी बता दे जी। देखिए सर आपको बता देता हूँ कि हर धर्म में पर्सनल लॉ के आधार पर कुछ कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों को इसमें खत्म किया जाएगा। हिंदुस्तान में हर किसी को समानता का अधिकार दिया जाएगा, हर नागरिक को एक समान अधिकार मिलेगा इस कानून में, मुख्य तौर पर ये बातें। और आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले इस कानून को लागू करने का मतलब ये है कि गुजरात में हर किसी को समानता का लागू जो अधिकार होता है हर किसी के पास मौजूद हो। आम भाषा में अगर हम इस लॉ को समझें तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि हर किसी के लिए एक समान कानून, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी और धर्म का। बताइए आप समर्थन करेंगे इसका जी? अमित जी सामान्य नागरिक का समर्थन करेंगे? बिल्कुल सुन लीजिए, अभी आपका सुन रहा था मैं जी जी, मैं कह रहा हूँ नागरिक सर सुन तो लीजिए, क्या सामान्य अधिकार सबको मिले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों को, क्या ये क्या कानून आना चाहिए या नहीं? आप किस क्या समर्थन है, हाँ या ना? क्या क्या सामान्य कर दीजिएगा आप, क्या क्या सामान्य कर दीजिएगा आप? आप एक कानून बना रहे हैं कि सामान्य का, नहीं 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 गलत है,
सामान्य नहीं कर सकती है। आप लोगों का, आप लोगों की पॉलिसी गलत हो जाती है हमेशा। अच्छा अच्छा पॉलिसी कैसे कर सकते हैं सामान्य नारे का? आप लोगों की, आप लोगों की पॉलिसी का, सुनिए आपको जब देखिए, आप लोग, आप लोग सुनिए, बताएं नहीं, आप लोग वो काम, आप लोग वो काम कर रहे हैं कि हमारे को गुजरात में बैठने की जगह खत्म हो रही है, आपका गुजरात खत्म हो रहा है, आप सामान्य नागरिक ले। आप दो बार जीत चुके हैं, आप दो बार सेंटर में हिंदू मुस्लिम करके जीत गए हैं, लेकिन इस बार की जनता आप लोगों को हिंदू मुस्लिम करने नहीं देगी। अरे सामान्य दिल से होती है, कानून लाने से होगी क्या? मंदिर मस्जिद बनाने से होगी क्या? अरे दिल से सामान्य होनी चाहिए। तो केजरीवाल क्यों कहते हैं कि मुसलमान देश की? अमित जी केजरीवाल जी तो मुझे बताइए, नोटों पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ कृष्ण भगवान जी नोटों पर गणेश जी की लक्ष्मी जी की क्यों फोटो होनी चाहिए? हाँ धन नोट तो सबके लिए है भाई, धर्म देश है, जितना अधिकार हिंदुओं का, मुस्लिम का भी है, क्रिश्चियन का भी है। प्रदीप जी सुन लीजिए सर, अमित जी यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हाँ। कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं नोट पर हम तस्वीर लगा दें तो इकोनॉमी बढ़ जाएगी, तो इसका कौन सा तर्क होता है? देखिए हमारे देश में पारंपरिक और धार्मिक व्यवस्था पे चलती है जी, अगर धर्म के आस्था पे नहीं चलते तो हमारे मोदी जी सारे बजट मंदिरों पे नहीं कर, राम मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो आप लेकिन इसका अगर लक्ष्मी गणेश जी तो आप इसका नहीं विरोध नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे, समर्थन हम कह रहे हैं कि जब इतनी कुछ कर रहे हो जी, तो नोट में भी लक्ष्मी जी गणेश जी लगा दो, ठीक है, इसमें क्यों आपको ऑब्जेक्शन हो रही है? ठीक है, क्यों नहीं लग सकती? मैं बता देता हूँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं अभी थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, सामान्य नागरिक किस लिए बना? देखिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता का मतलब है, सभी नागरिकों को एक समान नियम यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, फिर वे चाहे किसी धर्म या जाति का हो, इनके इसे लागू होगा, शादी तलाक जमीन जायदाद बंटवारे सभी में एक समान कानून लागू होगा जिसका पालन सभी धर्मों के लोगों को करना अनिवार्य है जी। अब आप बताइए सही है या गलत है? आप लोगों को जब कानून लानी होती है, जब चुनाव आ जाता है, जब लगता है कि आप लोग हार रहे हैं, आप 9 साल से सत्ता में हैं, हमेशा आप इस कानून को आज लेके क्यों आ गए? अरे भैया कभी देश के लिए बोल लिया करो, भगवान तुम्हारे हाथ में, आप 9 साल से सत्ता में है, आप 9 साल से सत्ता में है और इस कानून को आज लाना है? अरे सरकार तो फिकर मत करो, आप चिंता मत करो चीज की, सरकार किसकी आनी किसकी नहीं आनी हो तो बाद में पता लगेगा वोट डलने के बाद, आप चिंता मत करो। हार से बौखला करके कभी नहीं, नहीं मेरे भाई, कभी, मेरे भाई, कभी अरविंद केजरीवाल जी को अंदर करते हो, कभी मनीष सिसोदिया जी को अंदर करते हो, अरे कभी इतने करप्शन के इल्जाम लगा देते हो, जब इन सबसे थक गया तो हिंदू मुस्लिम पे आ गए। आपसे हमारी आपकी लास्ट यही स्ट्रेटजी होती है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम पे आ ही जाते हो लास्ट में, ठीक है। प्रदीप जी बोलिए सर, अमित जी सुन लीजिए पहले, आप चुनाव को चुनाव के तरीके से क्यों नहीं लड़ते? ठीक है, देश की हित के लिए क्यों नहीं लड़ते? आप स्वास्थ्य शिक्षा पे क्यों नहीं लड़ते? ठीक है, आप देश की व्यवस्था पे क्यों नहीं लड़ते? महंगाई पे क्यों नहीं लड़ते? रसोई गैस पे क्यों नहीं लड़ते? ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, मैं समर्थन करता हूं। पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं लड़ते? अमित जी सुन लीजिए सर, बिल्कुल प्रदीप जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ और मैं इस बात का कायल हूँ आपकी बात का। तो ये सामान्य नागरिक कानून इसीलिए लाया गया जिन चीजों को आपने उठाया है, अब आप बताइए सही है या गलत है ये कानून? आज ही लाना था, अरे आज आया कल, देश हित के लिए जब भी आया तो हम सबसे पहले देशवासी है ना। सुन, आपने कहा कि हर चीजों को चुनाव में जोड़ देते हो, आपने कहा हर चीजों को चुनाव में जोड़ देते हो मेरे भाई, अरे हो जाने देते हैं, सुनो, अरे अमित रेवड़ी बांट रहे हो, अरे रेवड़ी नहीं है, हिंदू इकट्ठा कर रहे हो, अरे भैया कैसी राजनीति कब तक चलेगी? ठीक है ठीक है, आप ही समझाओ इन्हें। प्रदीप जी कैसे भक्त बना रखे हैं? ठीक है अमित जी सुन लीजिए सर, देखिए प्रदीप जी उनका सवाल यह है कि आपने कानून को लागू किया, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने चुनावों से पहले से लागू किया है, ये उनका सवाल है। अमित जी सही कहा मैंने सर, ये कहता देखिए मैं अच्छी बात कहता हूँ, हाँ देखिए मैं बड़ी अच्छी बात कहता हूँ अमित भाई, अगर आपका गुजरात में रंग चल रहा है तो कोई कानून कुछ भी आ जाए तो आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज, जहां आपकी धरती नहीं है, आपका मतलब लेना देना नहीं है, आपको उस प्रदेश के लिए कोई बलिदान नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, आपको कैसे कोई चुन लेगा?
अरे जब आपकी जीत होनी है, चाहे सरकार को कितनी बुरी सरकार हो, चाहे वो कानून लाए या कुछ भी फायदेमंद या रेवड़ी बांटे, तो आप अगर अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है आपको, क्यों बखला रहे भैया आप? तो आम आदमी पार्टी जनता को कुछ दे तो रेवड़ी हो जाती है, और आप जब करने लगते हो तो कुछ भी करे। तो चलो ठीक है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ पूरा। मैं ये कह रहा हूँ जो सामान्य कानून आ रहा है आपकी नजर में सही है या गलत है, थोड़ा ये बता दीजिए आप। देखिए सामान्य कानून होनी चाहिए, ठीक है आप लगाइए तो अच्छी बात है, लेकिन लेकिन हाँ। लेकिन लेकिन ये चुनाव से पहले कराइए, चुनाव के बाद कराइए, आज जाकर के बांट देते हो आप। चलिए मैं वही बताता हूँ। देखिए क्या है, इसमें हाई कोर्ट के जज, दो जज, इसमें एक पैनल बनेगा। ये तो अभी एक पारित हुआ है, घोषित थोड़ा ना हुआ है अभी, तो पैनल तो बनेगा। तो लीजिए सर, मैं आपका ज्ञान कह रहा हूँ, मैं आपको समझाने की चीज में कि अभी तो ये सरकार ने संशोधन चीज रखी है, पैनल बनेगा, वो कमेटी बनेगी जो चीजों को देखे सामान्य कानून में काम करेगी, और जिसमें हाई कोर्ट के जजेज वगैरह होंगे। तो आप बताइए कानून ठीक है या गलत है, आप बता दीजिए थोड़ा सा। अभी आया नहीं है कानून, ये अभी देखिए क्या है सर, मैं तो देख ही रहा हूँ आपको, आप ही नहीं बोल रहे हो, सुन लीजिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना आपको। देखिए क्या है कि अभी, फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार, मैं भूल गया। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि अभी गुजरात सरकार ने ये विधानसभा में विधेयक पारित करा है, अभी घोषणा नहीं हुई है इसकी, अभी इसकी एक कमेटी बनाएगी जिसमें हाईकोर्ट के जजेस होंगे, एक कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे जो इस कमेटी को बनाएंगे सामान्य कानून में क्या कैसे होना चाहिए, अभी कमेटी बन के काम करेगी। अगर सरकार ने कोई तो पहल करी है, सत्ता में पहले अपनी, पहले पहले अपनी तैयारी करके घोषणा करते, जजमेंट आया नहीं, जजमेंट आया नहीं, अनाउंसमेंट पहले कर दी, ले लो फ्री की डेबरी, अभी मैं बैठाने वाला हूँ। और रह गई बात कानून की, आप बात कर रहे कहां से आई, कानून की आप बात कर रहे हो, कल सुनिए आप, कल आपके एक श्री सांसद प्रवेश वर्मा जी एक अफसर को गाली देते हुए नजर आ गए। आप लोग कानून कहां समझते हो, आप लोग अफसर कहां समझते हो, आप लोग आईपीएस कहां समझ रहे हो? एक अधिकारी को गाली दे के बात करते हो, आप कहते हो कानून बन के आएगा। अरे कानून तो आप लोगों ने ऐसे पास कर देने हैं जो रात रात में डिसीजन ले लेते हो, और उसके बाद आप लोग कहते हो कि कानून आएगा। ये जनता को गुमराह करना कब बंद करेंगे आप लोग? ठीक है प्रदीप जी, ठीक सर, एक आपसे सवाल है, यहाँ पर ओबीसी साहब ने इसका विरोध किया है, उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले बीजेपी ऐसी घोषणा करती है, ऐसे कानून को लाती है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी ऐसे कानून को लागू करती है तो कहीं ना कहीं देश में अच्छा माहौल नहीं बनेगा, देश में नेगेटिव मैसेज जाएगा, ये बात ओबीसी साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने आपसे ये भी सवाल पूछा है कि जो ट्राइबल होते हैं उनके लिए इस कानून को आप किस तरीके से लागू करेंगे। देखिए अगर आप ओबीसी जी की बात करते हैं, ओबीसी जी जिस तरह की बात देश में करते हैं, एक समुदाय की बात करते हैं, उन्होंने कभी देश हित की बात नहीं करी। वो क्या बोलते हैं, देश के मुस्लिम हैं, मुस्लिमों को फायदा, मुस्लिमों को नुकसान, मुस्लिम ही और मुस्लिम को, उनको और मुस्लिमों को सिवा नजर नहीं आता। अब ये जो सामान्य कानून जो नागरिक आ रहा है, जिन चीजों पर आज ये बात आज बहस चल रही है आपके हमारी बैठ के, क्या आज वो इतने बड़े अपने आप को वकील समझते हैं या कहते हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि किन किन को फायदा मिलेगा? सबसे ज्यादा मुस्लिम बहन बेटियों को, समुदाय को मिलेगा जो अपने अधिकारों से वंचित रह जाती है, और जो कोर्ट में सालों साल लड़ाई लड़ती है, चाहे वो तलाक को लेके हो, अपने अधिकार को लेके हो, अपनी सरजमी को लेके हो, अपने बच्चों को लेके हो, जो उन पे होता है जी। और ओबीसी जी कभी भी चीजें खुल के नहीं बताते कि क्या होना है, ये तो उनके दिल से पूछिए। और अभी जो हिंदू मुस्लिम की बात करें सर, हमारी तो कोई एक डिबेट दिखा दीजिए, हमने इसमें हिंदू मुस्लिम करी है, हिंदू मुस्लिम के बारे में बोला हो। अगर आप एक टारगेट हिंदू को करेंगे और कोई तो बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे तो आज तो आज हिंदू हिंदू करते हुए तो अखिलेश जी भी आज प्रश्नाथ जी का मंदिर बना रहे हैं, और आज जो है केजरीवाल साहब जो है कृष्ण कन्हैया बन गए हैं। तो ये जो भारतीय जो जो विभिन्न पार्टियां हैं, आज सबको हिंदू याद आ रहा है, इससे पहले इन्होंने मुस्लिम समुदाय हो चाहे दलित समुदाय, पिछड़ा समुदाय हो, एक वोट बैंक की तरह यूज करा है जी। तो इसलिए हिंदू हिंदू सब करने लगे क्योंकि इन्हें हिंदुओं का वोट चाहिए जी। पहले ना जातियां देखते थे, उसके अंदर मतगणना करते थे, आज वो चीजें खत्म हो गई देश के अंदर, और ये बहुत बड़ा शहर जाता है भारतीय जनता पार्टी को जी।
और मैं एक और चीज बता दूं आपको, मैं जी एक लाइव डिबेट में एक समाजवादी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हम पार्टियों पे बड़ा भयंकर एक षड्यंत्र रचा और हमारे वोट बैंक को दूर करने के लिए जितने समुदाय बैकवर्ड या दलित थे उनको हिंदू प्रस्तुत करके उनसे वोट ले लिए और हमें हरवा दिया जी। इस टाइप के तो स्टेटमेंट देते हैं। अरे हम संयुक्त भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री अगर बात करते हैं तो 130-140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। ये चीजें आप लोगों में भी चीजें होनी चाहिए बोलने के लिए जी। सर ट्राइबल इसे कैसे स्वीकार करेंगे? प्रदीप जी आपने ये नहीं बताया मुझे, ये ओबीसी साहब आपसे सवाल पूछते हैं। देखिए ऐसा है, जब जब जजेज की पैनल बनाया गया है और रिटायर्ड जजों को सीनियरों को बनाया गया, उन चीजों को बिल्कुल करेंगे जी। देखिए उत्तराखंड में तो चीजें बनी है, चल रही है जी। नागरिक सामान्य है, जो रक्त मेरे शरीर में चल रहा है वो सब समुदाय के उसमें बह रहा है। जो अन्न रोटी हम खाते हैं, जो बिस्तर पे हम सोते हैं 3x6 के गद्दे पे, वो दुनिया सोती है, सब उसमें सोते हैं। तो सबके लिए एक समय कानून बनेगा जी। ये जो ट्राइबल बोल के सब चीजों को बोलने के बाद ये है ओबीसी जी उलझाना चाहते हैं जी। ठीक है, क्योंकि अपनी बात को रखने लगे, जनता के बीच में आने के लिए बहाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लोग हमेशा विवाद में आते हैं, अच्छे काम में कभी सुनेंगे आप इन्हें जी? ठीक है। अब देखिए केजरीवाल साहब को ये नहीं पता कि लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए नोटों में, नोट पैरों में आ रहे, भगवान पैरों में आएंगे। अरे इतनी शर्म तो होनी चाहिए, कृष्ण कन्हैया बन रहे हो, आप नोट को पैर में डालते हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नोट पैर में डालते हैं? नहीं गिरा, आपसे गिरता नहीं है, नहीं गिरा, गिरता नहीं है कभी, नहीं गिरा, आपसे गिर के पैर में नहीं रौंदा जाता। आप लोग पैर में रौंदते हो, पैसे पैसे को आप रुपए को पैर में रौंदते हो तो क्या होता है प्रदीप जी? नहीं नहीं, क्या होता है? आप रुपए को पैर में रौंदते हो। ठीक है अमित जी और प्रदीप जी, अगर गिर भी जाता है तो सवाल है सर। प्रदीप जी आपने देखा होगा पुराने जमाने के, अगर हम सिक्कों की बात करते हैं, आज से 10-15 साल पहले जो सिक्के होते हैं उसमें आज भी माँ देवी की जो तस्वीर लगी रहती है, तो आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो आपको उसे हटा देना चाहिए। आपने देखा होगा 5 रुपए का एक सिक्का होता है, उसपे देवी माँ की तस्वीर लगी रहती है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अगर वो जमाना आ जाए तो बातें क्या है, जिन पार्टियों ने मन मुटाव भेदभाव कर रखा है, जो आज सामान्य नागरिक कानून की बात हो रही है, तो शायद वो हो ही ना जी। उस समय गरीबी 100% थी, अमीरी 1% थी साहब। आप जमाने की बात कर रहे हैं, आज 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 जो जो है 2 नंबर का धन, 3 नंबर का धन आज 100% है, और गरीब तो बेचारा गरीबी है। आप वो सिक्कों की बात कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, आपने मुख्य तौर पर देखा होगा 5 रुपए का एक ऐसा सिक्का आता है, आज भी चलता है वो, जिसपे 5 रुपए लिखा रहता है और पीछे उसपे देवी माँ की तस्वीर लगी रहती है, आपने देखा होगा प्रदीप जी? सर अब ऐसा कोई सिक्का नहीं आता, कांग्रेस के टाइम में आ रहा था, अब कोई सिक्का ऐसा नहीं आता। प्रदीप जी क्या बात करते हैं, अब जो है मैं बता रहा हूँ सर, मैं सुन रहा हूँ, मैं बताता हूँ, नए सिक्के जितने भी आ रहे हैं सबसे हमारे शहीदों के, सिक्का जो हमारे प्रचलन में है उसकी मैं बात कर रहा हूँ सर। सर कहता रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम में बहुत प्रचलन था, बहुत कुछ आता था, आज शहीदों की जो देश के बलिदानियों की फोटो आती है सिक्कों पे, ठीक है, और हम तो अपेक्षा करते हैं सरकार से कि आप नोटों पे, आप गांधी जी तो दे रहे हैं, उनके अलावा छोटे नोटों पे और शहीदों को दो, सुभाष चंद्र बोस जी को जगह दो नोटों पे, उन्हें क्यों नहीं मिलनी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस शहीद भगत सिंह को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है सरकार तो आप अशोक खान को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है अमित जी जवाब दीजिए सर। सरकार हाँ तो इस बात में देरी कहां रह गई, सरकार आपकी है, आप देश की हर एक कानून चेंज कर रहे हो, कांग्रेस ने गलती कर दी लक्ष्मी जी गणेश जी लगा करके, आम आदमी गणेश जी लक्ष्मी का समर्थन करके गलती कर दी, आप लगा दो ना शहीदों का, लगाते क्यों नहीं, लगाने शुरू कर दे, आप नोट बदल सकते हो, नोट बदल सकते हो, नोट बदल सकते हो, अरे कुछ नहीं आएगा, आप लोगों ने गुमराह कर रखा है, हम एक दूसरे में भाईचारा खत्म कर रखा है, हम हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, आज हमें मुस्लिम दुश्मन की नजर से देखने लगा है, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम को दुश्मन की नजर से देखने लगा है, ये सारी करतूत भारतीय जनता पार्टी की है, बहुत आराम से चल रही थी सरकार, हम उसी माहौल में जी रहे थे, हम बहुत अच्छे जी रहे थे, हमें क्या दिक्कत था मुसलमान से, हमें क्या मुसलमान था पिछड़ी जातियों से, ठीक है, लेकिन आपने बंटवारा ऐसा कर दिया, आपने खत्म कर दिया पूरे देश का सिस्टम, खराब कर रखा है, हर जगह दंगा कराने में आप लोगों का हाथ हो जाता है, कहीं भी जुलूस निकालने में जय श्री राम का नारा लगाना पड़ता है, किसी मुसलमान बस्ती से निकलते हो तो जय श्री राम कहते हो, ये क्यों कर रहे हो आप लोग, देश को भड़काना चाहते हो, देश को बांटना चाहते हो आप लोग, ठीक है
जवाब लेते हैं अमित जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अमित जी आपने बिल्कुल सही कहा आपने। मैं हर बात सही कह रहा हूँ आपको, लेकिन आप लोग नहीं नहीं मेरे जैसा नेता नहीं, हम देश में भाईचारा के साथ जीते थे, हमारे हमारा देश हिंदुस्तान शांति अमन का देश रहा है, विरोध और प्रदर्शन का देश नहीं रहा है, उग्रवादियों का देश नहीं रहा है, लड़ाई झगड़े का देश नहीं रहा है। अमित जी प्रदीप जी समय की कमी के चलते आपके पास नहीं आ पाऊंगा, प्रदीप जी माफी चाहूंगा मैं, बस सर सर लास्ट बोलो जी जी बोलिए। केजरीवाल साहब ने मौलानाओं की तनख्वाह बांधी, ग्रंथों की तनख्वाह क्यों नहीं बांधी, पंडित के पंडितों की तनख्वाह क्यों नहीं बांधी, मौलानाओं की तनख्वाह क्यों बांधी केवल? ठीक है अमित जी जवाब दीजिए सर जल्दी से। ठीक है अमित जी, इसी बात से हिंदू मुस्लिम हो रही है, इसकी बात करते हो बैठ के, इसी बात से हिंदू मुस्लिम हो रही है आपकी, ये आप मुसलमानों को केजरीवाल से आप में ता, ये अरे केजरीवाल जगह देंगे आपकी सरकार में इतनी ताकत है। ठीक है अमित जी, अमित जी प्रदीप जी समय की कमी के चलते आपके पास नहीं आ पाऊंगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं आरोपों की बौछार है, गुजरात में किसकी सरकार बनती है ये समय बताएगा, हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, हालांकि यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी दमखम दिखा रही है सरकार बनाने के लिए। तो बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इतना है, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।